उज्जैन महाकालेश्वर की तर्ज पर उदयपुर में भी 12 अगस्त को भगवान महाकालेश्वर अपने शाही लवास के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। महादेव के नगर भ्रमण को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं शिव भक्तों में इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान महाकालेश्वर महादेव निकलेंगे नगर भ्रमण पर। शाही लवाजमे के साथ करेंगे नगर भ्रमण। महादेव के नगर भ्रमण की तैयारियां जोरों पर। शिव भक्तों ने की खास तैयारी। सावन के महीने में मेवाड़ की आबो हवा पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंगी हुई है। उदयपुर के शहर के शिवालयों में श्रद्धालु भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने को उमड़ रहे हैं। लेकिन सावन के अंतिम सोमवार का मेवाड़ वासियों को बेहद इंतजार रहता है, क्योंकि सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्तों के लिए कुछ खास होने वाला है। 12 अगस्त को महादेव स्वयं अपनी शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण को निकलेंगे। इसको लेकर देखिए मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है। देखिए क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी भक्ति भाव से भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नगर भ्रमण में शामिल होने वाली 5 दर्जन से ज्यादा झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रावण मास सभी मासों में अति उत्तम माना जाता है और ये पूरा मास शिव जी की आराधना में स्तुति में भक्तों का निकलता है। ये ऐसा दिन है कि जब हम सब प्रभु के द्वार आते हैं, लेकिन उदयपुर शहर में जगदीश भगवान जगतनाथ स्वामी और महाकाल स्वयं चल कर के भक्तों के पास जाते हैं, तो इसको लेकर के भक्तों में अति उत्साह रहता है। महादेव का शाही लवाजमा राडाजी चौराहा, चेतक सर्कल, हाथी पोल, जगदीश चौक, चांद पोल, अम्बा माता होते हुए फिर से मंदिर प्रांगण पहुँचेगा। इस दौरान भक्त हाथी पोल, जगदीश चौक और अम्बा माता चौराहे पर देवों के मिलन के दुर्लभ दर्शन कर पाएंगे। बहुत परिश्रम से काम कर रहे हैं। अब 25,000 आदमियों का प्रसादी है। 8 अगस्त को शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगी और जो कावड़ी आएंगे गंगू से वो दिन को 12:15 बजे निकलेंगे और 3:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण पर निकलने से पहले मंदिर में भोलेनाथ का सहस्त्र धाराओं से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद महादेव शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। महादेव के नगर भ्रमण को लेकर शहर के भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और भक्त अपने आराध्य देव का पलक बिछाए स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। महाकालेश्वर मंदिर की अपनी स्वयं की करीब 60 झांकी है, जो काफ़ी चिताहर्षक भी है और लोगों को काफ़ी उसके अंदर दर्शनीय भी है और साथ में श्रद्धापूर्वक सभी तरह की झांकियां महाकालेश्वर ट्रस्ट द्वारा ही तैयार की जा रही है और पूर्ण सादगी के साथ परंपरागत रूप से इसकी अगवानी और उसके अंदर शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। भगवान महादेव के नगर भ्रमण के आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिव भक्त अभी से पलके बिछाए महादेव के शाही सवारी का इंतजार कर रहे हैं। अविनाश जगनावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उदयपुर।